देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं बाईपास फैक्टर ऑफ अ कॉइल। एक्चुअली इस डायग्राम में या इसके पहले वाले में आ जाते हैं जहाँ हमने सेंसिबल हीटिंग पढ़ी थी। तो इस सेंसिबल हीटिंग में देखिए क्या होता है कि हमने कहा कि एयर एक TD1 टेम्परेचर पर एंटर करती है हीटिंग कॉइल में, और फाइनली ये जब एयर इस कॉइल के ऊपर से पास होके आगे जाती है तो इसका टेम्परेचर TD2 हो जाता है। अब हीटिंग कॉइल है तो इसका टेगी TD2 की वैल्यू TD1 से ज़्यादा होगी, TD2 वुड बी ग्रेटर देन TD1। देखिए, अब जब ये एयर हीटिंग के लिए इस कॉइल के ऊपर से पास हो रही है तो हम ये चाहते हैं कि जितना, या हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, चलिए ये मान लेते हैं कि TD1 जो टेम्परेचर है इसमें हमें इंक्रीज करना है। तो आप इसे मैक्सिमम कितना इंक्रीज कर सकते हैं? आप इसको हीटिंग कॉइल के टेम्परेचर के बराबर इंक्रीज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते, ठीक है? तो आइडियली दिस TD1 में गो अप टू द वैल्यू TD3, उससे ज़्यादा हो नहीं सकती। लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको देखते हैं कि ये वैल्यू TD2 के पास होती है ना, TD2 होती है, और ये TD2 क्या होगा, TD2 वुड बी लेस देन TD3, ठीक है? आप इसको, अगर मैं आपको वैल्यूज में बता दूं तो ऐसा कह सकते हैं कि सपोज ये एयर यहाँ से 20 डिग्री सेल्सियस पर हमने पास की कूलिंग कॉइल, हीटिंग कॉइल के ऊपर से, और सपोज हीटिंग कॉइल का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। जब ये इसके ऊपर से पास हुई तो इनिशियल टेम्परेचर इसका 30 डिग्री सेल्सियस था, तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा हो सकता है वो 50 हो, 60 हो, 70 हो, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है? मैक्सिमम ये 100 हो सकता है, ठीक है? तो अब ये प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि ये जो टेम्परेचर होता है ये टेम्परेचर TD3 से कम होता है। ये तो मैंने आइडियल कंडीशन कही कि ये TD3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है? TD3 के बराबर कब हो जाएगा? जब इस एयर को जो इसके ऊपर से पास हो रही है यहाँ पर सफिशियंट टाइम मिले इस कॉइल के कॉन्टैक्ट में रहने के लिए, ठीक है? जब सफिशियंट टाइम मिलेगा तब ये मैक्सिमम हीट इससे गेन कर लेगी और ये टेम्परेचर TD3 के बराबर हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता क्योंकि एयर तो इस पर से कंटिन्यूसली पास होती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कॉइल की, हम ये कह सकते हैं कि हर कॉइल की कोई एफिशिएंसी होगी। जैसे एक कॉइल आपने यहाँ पर लगाई, ये एक्चुअली ये हीटिंग बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे आपने कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में पढ़ा हुआ है, ये डिपेंड करती है कि यहाँ पर एयर की वेलोसिटी क्या है, ये डिपेंड करती है कि इस कॉइल का टेम्परेचर क्या है, कॉइल की शेप क्या है, ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हर कॉइल की कोई एफिशिएंसी है। हो सकता है मैं एक कॉइल यहाँ पर फिट करूँ जिसका टेम्परेचर तो 100 ही हो लेकिन ये टेम्परेचर 60 आ जाए, एक डिफरेंट कॉइल में यहाँ पर बीच में रखूँ और उसका टेम्परेचर 100 ही हो और ये टेम्परेचर 70 आ जाए, 80 आ जाए, 90 आ जाए, ठीक है? तो हर कॉइल के लिए वैल्यू अलग हो सकती है। तो इसका मतलब हर कॉइल की हम कह सकते हैं कि कोई एफिशिएंसी है। तो इस एफिशिएंसी को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक टर्म से जिसे हम कहते हैं बाईपास फैक्टर ऑफ अ कॉइल। तो अब ये बाईपास फैक्टर ऑफ अ कॉइल क्या होता है कि हमने इसमें यहाँ पर एक हमने इसमें यहाँ पर ये कॉइल रख दी है और एयर 1 किलोग्राम ऑफ एयर हम कह रहे हैं जो यहाँ से इस कॉइल के ऊपर से पास होती है जिसका इनिशियल टेम्परेचर TD1 है और कॉइल का टेम्परेचर TD3 है, हीटिंग कर रहे हैं, है ना? ऐसे कूलिंग कॉइल के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये TD1 है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एयर, TD3 इज द कॉइल टेम्परेचर, सो आइडियली दिस TD1 गो अप टू मैक्सिमम वैल्यू TD3 आइडियली। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। तो ये टेम्परेचर क्या होगा, ये TD2 के बराबर हो गया, ये हमने पहले भी कहा था, और ये TD2 इज लेस देन TD3, ऐसा है, ठीक है? तो अब हम इसके लिए बाईपास फैक्टर ऑफ कॉइल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमने क्या कहा कि 1 किलोग्राम ऑफ एयर इस कॉइल के ऊपर से पास होती है, उस 1 किलोग्राम में से 1 - x किलोग्राम इस कॉइल के परफेक्टली कॉन्टैक्ट में आती है और उसका टेम्परेचर TD3 के बराबर हो जाता है, ठीक है? और एक्स किलोग्राम एयर जो है वो बिल्कुल इसको बाईपास करके इधर से चली जाती है और यहाँ आ जाती है, और ये क्या रहती है, ये अनअफेक्टेड रहती है, यानी इसका टेम्परेचर यहाँ पर भी TD1 ही होता है, ठीक है? ऐसा हमने एयर को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। मेरी बात समझ गए होंगे आप? हमने कहा कि 1 - x किलोग्राम एयर जो है वो कॉइल के ऊपर से पास करती है और इसके परफेक्टली कॉन्टैक्ट में आती है, तो यहाँ पर उस एयर का जो टेम्परेचर होता है वो TD3 के बराबर होता है, TD3 के बराबर होता है। और एक्स किलोग्राम ऑफ एयर जो है वो बिल्कुल इस कॉइल के कॉन्टैक्ट में ही नहीं आती और वो यहाँ से बाईपास करती हुई चली जाती है और इसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर TD1 के ही बराबर होता है।
तो इसके लिए हम एक एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए हमने लिखा एक्स इंटू सी पी एम इंटू टी डी वन, ये एक्स कौन सा पार्ट है जो बिल्कुल अनअफेक्टेड चला गया बाई पास करके, इंटू स्पेसिफिक हीट, ये स्पेसिफिक हीट कौन सी है, सी पी एम। सी पी एम क्या थी, ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट। जब हमने एंथैल्पी पढ़ी थी तो उसमें हमने एक वैल्यू लिखी थी ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो ये वो है, ये मॉइस्ट एयर के लिए होती है। इंटू टी डी वन, ये इसका टेम्परेचर हो गया। और दूसरी एयर कौन सी है, वन माइनस एक्स इंटू सी पी एम इंटू टी डी थ्री, ये वन माइनस एक्स कौन सा पार्ट था एयर का, जो परफेक्टली कॉन्टैक्ट में आया था कॉइल के, इसका टेम्परेचर हो गया टी डी थ्री के बराबर, कॉइल टेम्परेचर के बराबर। इन दोनों का जब हमने ऐड किया तो ये टोटल वैल्यू आई कि ये पार्ट जो है ये 1 किलोग्राम इंटू सी पी एम इंटू टी डी टू, ठीक है। चाहे तो इस इक्वेशन को एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं, आपको फिर से समझ में आ जाएगी। एक्स इंटू सी पी एम इंटू टी डी वन, ठीक, इसको देखिए ये कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया, ये इधर वाला पार्ट एक्स इंटू सी पी एम इंटू टी डी वन, ठीक है, जो कि अनअफेक्टेड है, प्लस वन माइनस एक्स इंटू सी पी एम इंटू टी डी थ्री, ये जो टी डी थ्री टेम्परेचर हो गया इसका, ये दोनों मिक्स करके क्या हुआ, फाइनली जो टेम्परेचर है वो टी डी टू के बराबर हुआ। तो वन इंटू सी पी एम इंटू टी डी टू, ये इक्वेशन हमने यहाँ से, ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, ये पूरी इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रही है, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई टी डी थ्री माइनस टी डी टू अपॉन टी डी थ्री माइनस टी डी वन, ठीक है। तो ये हमने एक्स क्या चीज़ है, एक्स को हम बोलते हैं बाईपास फैक्टर, तो बाईपास फैक्टर इज टी डी थ्री माइनस टी डी टू अपॉन टी डी थ्री माइनस टी डी वन, ठीक है। और एफिशिएंसी ऑफ कॉइल जो होती है, एफिशिएंसी ऑफ कॉइल क्या होती है, दिस इज इक्वल टू वन माइनस बी पी एफ, वन माइनस बी पी एफ, ये होती है हमारी एफिशिएंसी ऑफ कॉइल, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा गया लेकिन ठीक है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वन माइनस बी पी एफ, ये एफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो कभी भी हमारे पास कॉइल की एफिशिएंसी होगी तो हम बी पी एफ कैलकुलेट कर सकते हैं, या बी पी एफ होगा तो एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये टेम्परेचर सब पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर को हम एक रिलेट कर लेते हैं, जो आपने हीट एक्सचेंजर्स में पढ़ा है लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस LMTD, उससे रिलेट करके भी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका भी एक छोटा सा डेरिवेशन है, तो अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं किया, आप चाहें तो बुक से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बाईपास फैक्टर।